वेज सोया करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को हल्का सा गरम हो जाने देंगे। अब हम इसमें सोफ्ट सोया चंक्स डाल करके उनको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो बिना शैलो फ्राई किए भी डायरेक्टली सोया करी बना सकते हैं, या आप चाहें तो सोया चंक्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सोया चंक्स का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पैन में 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गरम होने देंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे और इसमें हम ग्रेटेड नारियल डालेंगे करीब 1/4 कप। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। हमको नारियल के हल्का गोल्डन होने तक इसको सॉटे करना है। तो अब हम इसे एक मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। हमने इसे मिक्सर के जार में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देते हैं और आगे की करी बनाना शुरू करते हैं। अब हम पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल हल्का गरम हो गया है तो अब हम इसमें 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ करी पत्ते डालेंगे। मैं यहाँ ड्राई करी पत्ते डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स अवेलेबल हो तो आप फ्रेश करी लीव्स ही डालें। अब हम इसमें 1 बड़ा स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम ट्रांसल्यूसेंट होने तक सॉटे करेंगे। हमने प्याज को अच्छे से सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसको हम ढक करके कुक होने देंगे करीब 5 मिनट तक। जब तक टमाटर और प्याज को कुक हो रहे हैं तब तक हम नारियल का पेस्ट रेडी करेंगे। हमने सॉटे किए हुए नारियल को एक मिक्सर के जार में ले लिया है। इसमें हम 6 से 7 कली लहसुन की डालेंगे, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम एक स्मूथ पेस्ट रेडी करेंगे। हमने नारियल के पेस्ट को रेडी कर लिया है। जो टमाटर और प्याज हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं तो अब हम इसमें ये जो नारियल का पेस्ट है इसको डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें मसाले डालेंगे। उसके लिए हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक करके 5 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और सब फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी मिलाएंगे, सोया चंक्स ऐड करेंगे और ये जो हमने कड़म्बू बनाए थे इनको हम इसमें डाल देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक भी डालेंगे। और अब हम इसे ढक करके 5 मिनट तक मीडियम आंच में कुक होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं
और देखिए हमारी जो वेज सोया करी की रेसिपी है वो पूरी तरह रेडी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं, आपको पतला ग्रेवी पसंद है या गाढ़ा ग्रेवी पसंद है उसके अकॉर्डिंग। और अब हम इसे बंद कर देंगे, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने अपने गर्मा गर्म वेज सोया करी को कड़म्बू के साथ सर्व कर लिया है। कड़म्बू को खाने का जो तरीका होता है उसमें हम ऐसे ही कड़म्बू लेते हैं, उसके बीच में जो गड्ढा होता है उसमें एक चिकन पीस रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ सोया का करी बनाया है तो हमने सोया का पीस रखा है और ऐसे ही एक उठा के हम इसको खाते हैं। तो आप भी आज ही ट्राई कीजिए ये इनोवेटिव हेल्दी रेसिपी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।